तपोवन टनल में जारी है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है टीवी 9 भारत वर्ष की टीम। क्यों अहम है अगले आने वाले कुछ घंटे और टनल में कहां पर फंसे हैं 30 से 35 लोग, लगातार जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपको दिखाते हैं टीवी 9 एट ग्राउंड जीरो। जोशीमठ के तपोवन में सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के एंट्री और एग्जिट दोनों जगहों पर काम जारी है। एग्जिट पर करीब 15 से 20 फीट कीचड़ और मिट्टी जमी है। तपोवन में ऑपरेशन टनल जारी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद सेना के मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि टनल में अभी जिंदा लोग हो सकते हैं और साइड टनल लंबा है। हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगा और इनके बचने की उम्मीद हमें पूरी है और हमारी पूरी जोर है, पूरी ताकत से हम अपना काम कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम के लिए अगले कुछ घंटे काफी अहम है। टनल में 120 मीटर तक जवान पहुंच चुके हैं। अब चुनौती 60 मीटर की गाद को हटाने की है। हम सारे मतलब वर्दीधारी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है, हम सब उम्मीद ही करते हैं। अभी हम तो पूरे संभावना के साथ चल रहे कि सभी है। टनल की गहराई और स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय सेना एरियल सर्वे कर रही है। एडवांस टूल्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रेडार फॉर डेप्थ सर्वे। जो डेप्थ कितना है इसको जानने के लिए इस तरह की सर्वे का प्रयोग किया जा रहा है। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर तबाही के निशान विचलित करने वाले हैं। वहां बैठे कोई भी लोग अंदर जान बचाने के लिए भागे और वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। जोशीमठ से आई त्रासदी से रैनी गांव समेत करीब 12 गांवों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आईटीबीपी यहां वैकल्पिक सड़क तैयार करने के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क को दोबारा चालू करने में जुटी है। ड्रोन के जरिए जो ऑप्टिकल तार है उसको पहले दूसरी तरफ उधर भेजा गया है। आप देखिए कि दूसरी तरफ जो लोग मौजूद हैं उनको उधर की तरफ ये तार पहले ड्रोन के जरिए भेजा गया। तपोवन में रैनी गांव के पास आपदा के दिन तांडव करने वाली धौली गंगा की तलहटी तक पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। यहां आज हर तरफ गाद ही गाद है। ये जो तलहटी है धौली गंगा की, ये धौली गंगा आपके सामने है और ये यहां से गाद शुरू हो रहा है, यानी कि यहां पर जो मड है वो आकर के रुक गई है। तबाही का सबसे ज्यादा दर्द तपोवन के पास रैनी गांव ही झेल रहा है। यहां नदी की तलहटी में स्नाइपर डॉग्स को शवों की तलाश में लगाया गया है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर भी डेड बॉडीज हो सकती है और इसीलिए ये जो स्निफर डॉग्स हैं उनको यहाँ पर लाया गया ताकि पता किया जा सके कि कोई इंसानी जिस्म इस गाद या कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है या नहीं। सीआरपीएफ के जवानों के बनाए इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि टनल में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वीडियो में सीआरपीएफ का जवान कह रहा है कि इससे आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, काफी मलबा भरा हुआ है। आगे तक जो है कोई ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा सर।